हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। आज हम लोग इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर के कैलकुलेशंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे आगे हम लोग अपना यहाँ पे कैशियो कैलकुलेटर को ऑन किए हैं। ऑन करने के बाद यहाँ पे हम लोग को काम करना है, सबसे आगे इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में करना है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट के लिए यहाँ पे मोड और टू को यहाँ पे प्रेस करेंगे। मोड और टू को जब प्रेस करेंगे तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैलकुलेटर आ गया है। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे आगे एक यहाँ पे हम लोग कुछ समेशन को करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम ब्रैकेट ले लिए 2 + 6। अब यहाँ पे आयोटा के यूज करना है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। आयोटा को यूज करने के लिए इंग्लिश ENG जो लिखा है इसको हम लोग प्रेस करेंगे, इस आयोटा आ गया। इसके बाद में फिर से ब्रैकेट लगाएंगे, फिर यहाँ पे एक डिवाइड का सिंबल देंगे। डिवाइड का हम लोग डिविडेशन करने वाले हैं तो डिवाइड का सिंबल दिए, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लिए 2 और फिर आयोटा। इसके बाद में इसको हम लोग कैलकुलेशन को स्टार्ट किए। जब यहाँ पे इक्वल करेंगे तो देखिए 3 - iota आ गया, तो ये हमारा आंसर आया। ठीक है, इसके बाद में सेकंड कैलकुलेशन करते हैं। इसमें हम लोग कुछ एंगल का वेरिएशन करेंगे, उसके बाद देखते हैं किसका क्या आंसर आता है। यहाँ पे AC को सिलेक्ट करते हैं 2, और इसके बाद एंगल के लिए यहाँ पे शिफ्ट और यहाँ पे A दिख रहा होगा एंगल में। ठीक, ये 2 और यहाँ पे एंगल में 45 लेते हैं, 2 ∠45 अगर लें तो इसका आयोटा में अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देखेंगे तो इसका आंसर क्या आया, √2 + √2 iota, ये हमारा आंसर आया। इसके बाद एक आर्गुमेंट में हम लोग बात करते हैं और कॉन्जुक्वेट में बात करेंगे। सबसे आगे कॉन्जुक्वेट के बात करें तो कॉन्जुक्वेट में देखिए कि हम लोग कॉन्जुक्वेट को करने के लिए एक प्रोसेस है, जिसमें आगे हम लोग शिफ्ट को प्रेस करेंगे। शिफ्ट को प्रेस करने के बाद यहाँ पे 2 फॉर्म करेंगे ताकि ये कॉम्प्लेक्स में हमारा चला गया। अब यहाँ से हम लोग को कॉन्जुक्वेट लेना है। ठीक है, तो कॉन्जुक्वेट देखिए कितना नंबर पे है, तो सेकंड नंबर पे है, तो यहाँ पे फिर से 2 प्रेस करेंगे तो ये हमारा कॉन्जुक्वेट फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग को एक कैलकुलेशन को करना है, जिसमें 2 + यहाँ पे 3 iota लिखेंगे, 3 iota, 2 + 3 iota। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे इक्वल टू, तो देखिए 2 - 3 iota ये कॉन्जुक्वेट फॉर्म में हमारा आ गया। इसके बाद एक आर्गुमेंट फॉर्म देखते हैं, AC प्रेस कर दिए। आर्गुमेंट फॉर्म में जाने के लिए फिर से सेम चीज प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं, शिफ्ट 2, आर्गुमेंट का यहाँ पे देखिए 1 में आर्गुमेंट है, 1 को सिलेक्ट करेंगे, आर्गुमेंट आ गया, फिर से ब्रैकेट लिए 1 और प्लस में यहाँ पे हम लोग आयोटा लेंगे, आयोटा, इसको इक्वल टू करें तो ये हम आ रहा आया 45। तो ये हमारा कैलकुलेट होकर आया आंसर 45। तो एक दो प्रोसेस, जैसे कॉन्जुक्वेट किए या हम यहाँ पे क्या किए कि आर्गुमेंट किए, तो ये दो प्रोसेस हमारा आया। एक स्पेसिफिक यहाँ पे देख लेते हैं, एक आंसर टाइप निकालेंगे यहाँ पे अंडर रूट के फॉर्म में। ठीक है, तो इसका देखते हैं एक समेशन और। तो अंडर रूट यहाँ पे हम लिखते हैं 2, फिर यहाँ पे प्लस इसका करेंगे, फिर √2 से इसमें आयोटा के वैल्यू हम लोग आयोटा यहाँ पे कर देंगे √2 के बाद। तो √2 के बाद यहाँ पे आयोटा के लिए ENG प्रेस किए, तो ये हमारा हो गया आयोटा। इसके बाद में अगर हम लोग आर एंगल थीटा के फॉर्म में इसको लिखना चाह रहे हैं तो शिफ्ट और 2 प्रेस करेंगे, कॉम्प्लेक्स में चला गया। इसमें हम लोग आर एंगल थीटा जो कि 3 है ये फॉर्म में लिए हैं। अब इसका समेशन करेंगे तो देखिए कितना आया, 2 ∠45। तो इसका आंसर कितना था, 2 ∠45। अब इसमें सेम चीज़ फोर्थ में एक प्रोसेस है, उसमें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। a + b आयोटा के फॉर्म में जब इसको हम लोग करेंगे तो क्या आंसर आएगा, कुछ ही स्टेप में इसका थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए 2 शिफ्ट, अब यहाँ पे एंगल लेते हैं 45। इसके बाद में अगर हम बात करें तो फिर से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाएंगे, शिफ्ट और 2 प्रेस करेंगे, इसके बाद कॉम्प्लेक्स फॉर्म के लिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यहाँ पे पहुँच गए। अब फोर्थ नंबर में देखिए a + b आयोटा है, फोर्थ नंबर a + b आयोटा फोर्थ। अब इसका जब इक्वल टू करेंगे तो इसका कुछ फॉर्म इस टाइप में आया, √2 + √2 iota। तो ये पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का कैलकुलेशन कुछ इस प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में और भी प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू ऑल एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डिप्लोमा विद सोनू।